उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बने एमपी यूपी बॉर्डर पर दिल्ली हरियाणा और महाराष्ट्र से चलकर आए तकरीबन 5,000 मजदूरों ने डेरा डाल रखा है। प्रवासी कहे जाने वाले ये मजदूर जहां अपने गृह जनपद पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं सरकारी अनुमति न होने के चलते इन्हें जनपद महोबा में प्रवेश तक की अनुमति नहीं दी जा रही। कई दिन गुजरने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इन्हें रोक कर रखा गया, तो वहीं सरकार पास लगे वाहनों को आने जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा रही है। रोजी रोटी के लिए प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों की तरफ रुक करने वाले गरीब तबके को लॉकडाउन के चलते बेहद भयावह हालतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भले ही इन्हें अपने गृह जनपद तक पहुँचाने के वादे किए जा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अनुमति न होने के चलते इन्हें जनपद से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस का खौफ दिखाकर रोक रखा गया है। ऐसा ही कुछ नजारा जनपद के कैमहा बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां लगभग 5,000 मजदूरों की मजबूरी के चलते डेरा डाला हुआ है। सरकारी अनुमति की आस लगाए इन मजदूरों के लिए न तो प्रशासनिक स्तर पर खान पान का उचित प्रबंध किया गया है और न ही इन्हें जनपद से होकर गुजरने की सरकारी अनुमति अभी तक दी गई है, जिसके चलते इन प्रवासी मजदूरों को 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। मई के महीने में एक साथ इतनी बड़ी संख्या पर पहुंचने के कारण इनको खासी मुसीबतों के साथ ही गर्म मौसम की भी मार झेलनी पड़ रही है। चित्रकूट, प्रयागराज, हमीरपुर जैसे कई जनपदों से ताल्लुक रखने वाले ये मजदूर कैसे भी करके अपने घर पहुँचना चाहते हैं, तो वही सरकारी पास न होने के चलते अब तक इन्हें न तो जनपद से गुजरने की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई और न ही इनके ठहरने के कोई उचित प्रबंध किए गए। भविष्य में अभी इन्हें कब अपने गृह जनपद पहुंचने की अनुमति दी जाती है, ये अपने आप एक सवाल बना हुआ है। तो वहीं भूखे प्यासे और खाली जेब लिए इन मजदूरों की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट।